दोस्तों हम YouTube पे भी बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं, जिससे हम मोबाइल का भी यूज किए हैं, मोबाइल से भी वीडियो अपलोड किए हैं, शूट किए हैं, शूट करने के बाद एडिट करके YouTube पे डाले हुए हैं। और हम निकॉन का भी कैमरा है हमारे पास, इससे भी यूज किए हैं, यूज करने के बाद इससे भी हम फोटोग्राफी भी किए हैं, हालांकि इस कैमरे से, और बहुत से वीडियो भी अपलोड किए हैं। अपलोड करने के बाद आपको दिखाए हैं क्वालिटी किस तरीके का, आपको क्वालिटी मोबाइल से और DSLR से आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत से यूट्यूबर होते हैं जो कैमरा परचेज़ करने के लिए जाते हैं, तो बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि भैया हम अगर कैमरा लेने के लिए जाते हैं तो कौन सा कैमरा ले, कौन सा सीरीज़ का ले, जैसे सोनी में सही पड़ेगा या फिर कैनन में सही पड़ेगा या फिर निकॉन का सही पड़ेगा। तो उन लोग का कन्फ्यूजन हम इस वीडियो में दूर करना चाहते हैं। पहला बात तो ये है कि दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर्स हैं या फिर आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं या फिर आपका फोटोग्राफी है, कि क्या आपका पर्पस है, पहले आपका पर्पस अगर नॉर्मली है जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, अगर आपने नया चैनल शुरू किए हैं, शुरू करने के बाद आप तुरंत DSLR पे नहीं आइए, पहले आप मोबाइल से ही शूट करिए, शूट करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड करिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद वीडियो में जो जानकारी है वो भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तभी लोग इसको व्यू करेंगे और व्यूवर्स आपके बढ़ेंगे, साथ में सब्सक्राइबर भी आपके बढ़ेंगे। लेकिन अगर दोस्त आप शुरू में ही निकॉन D5600 ले लेते हैं या फिर कोई भी मॉडल ले लेते हैं तो वो बेटर ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि आप तो ले लेंगे, आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, YouTube पे आपका YouTube सक्सेस हुआ या नहीं सक्सेस हुआ वो आपका पैसा लैप्स हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपका पर्पस हो, अगर आपका पर्पस है कि फोटोग्राफी करना या फिर आपका स्टूडियो है और कैमरा के साथ ज़रूरत है, तो आप कैमरा का कोई भी सीरीज जा करके ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप निकॉन में जाएंगे तो निकॉन में भी बहुत से मॉडल आते हैं, हालांकि हम जब ये कैमरा लिए थे तो देखिए भैया, हम आपको बता रहे हैं कि हम जब कैमरा लिए थे तो कैमरा लेने से पहले हम YouTube पे सर्च किए थे, हालांकि हमें एक मित्र हैं हमारे शॉप पे हम गए थे तो वो हमें यही सजेस्ट किए कि अभी नॉर्मली प्रोफेशनल कैमरा के यूज़ में आप ये भी ले सकते हैं। तो हमारे पास निकॉन D5600 है, इसी को हम यूज़ करते हैं और इसमें आपको दो लेंस मिल जाता है, एक 18-55 mm और एक है 70-300 mm का लेंस मिल जाता है। तो दोनों लेंस के लॉकडाउन के पहले प्राइस पड़ा था 47,500 रुपया, लेकिन अगर आप इस समय जाएंगे तो इस समय ये 50,000 के आसपास में ये कैमरा आपको मिल जाता है कम्बो लेंस के। तो फ्रेंड्स, अगर आपका यूट्यूब पे पर्पस है कि अच्छे से वीडियो को बनाना या आपका यूट्यूब ग्रो हो चुका है, तब आप इस कैमरे को परचेस कर सकते हैं, हालांकि ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और हम जब भी इसको यूज़ किए हैं तो इससे फोटोग्राफी भी अच्छी आई है और वीडियो जो शूट करते हैं तो वीडियो को शूट करते समय आपको बहुत सा सेटिंग करना पड़ता है, हालांकि जब आप एक परफेक्ट सेटिंग कर लेते हैं वीडियो शूटिंग के लिए तो ये भी कैमरे से बहुत ही अच्छा आपका वीडियो शूट होता है। हालांकि एक चीज़ इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो DSLR D7200 या फिर 7500 में मिलेगा, जैसे कि उसमें आपको ऑटो फोकस एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छे से मिलता है। जैसे कि Z50 भी अगर आप लेंगे तो Z50 में ये चीज़ दिया गया है कि आपके फेस को या आप कहीं से मूव हो रहे हैं तो उसको लॉक कर देगा, तो आपको आप कहीं पे भी मूव होंगे लेकिन सब्जेक्ट को फोकस किया रहेगा। लेकिन इसमें दोस्तों है वो चीज़ है, लेकिन ये परफेक्टली वर्क नहीं करता है। जैसे अगर आप ज़्यादा दूर हो गए या फिर ज़्यादा अचानक ज़्यादा पास आ गए तो ये जो है कि आपको ब्लर कर देता है। इसमें बस यही प्रॉब्लम हमें अभी तक दिखा। और दोस्तों, अगर आप इस कैमरे को परचेस करने जाते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन परचेस करने से पहले हम आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि आप निकॉन या DSLR या फिर सोनी का कैमरा लेने के लिए कहीं भी शॉप पे जाते हैं तो शॉप के ओनर या फिर शॉप पे जो विक्रेता होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपको जो आप मॉडल मांगेंगे वो मॉडल तो दिखाएंगे ही, लेकिन साथ साथ क्या करेंगे कि उस मॉडल के अपेक्षा आपको उससे बेटर मतलब कि कोई ना कोई बताएंगे। जैसे कि निकॉन D5600 है तो आपको कहीं निकॉन का Z15 दिखा देंगे, कहेंगे कि भैया आप जो 50,000 इसमें लगा रहे हैं 10-20,000 रुपये और लगा करके आप ये ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये फोटोग्राफी अच्छा करता है, ऑटो फोकस को लॉक करता है और सब्जेक्ट को फोकस बनाए रहता है, बहुत से तेन फलान धगान आपको बता देंगे। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर आपको अपने माइंड का यूज़ करना है, क्योंकि वो विक्रेता क्या होते हैं कि कभी कभी आपको जो D5600 होता है, D5600 पे उन लोग का टारगेट नहीं दिया जाता है, Z50 का टारगेट ज़्यादा दिया रहता है, तो वो उसी को मोजर करते हैं। मोजर करने के चक्कर में वो लोग सोचते हैं कि भाई कस्टमर को एक बार मोटिवेट किए करें, मोटिवेट करने के बाद अगर वो ले लेते हैं तो हमारा एक टारगेट कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप
गूगल क्रोम पे भी जा करके देख सकते हैं। गूगल क्रोम पे जाएंगे तो बहुत से मॉडल कैमरा आ जाएगा, ये DS5600 भी आ जाएगा, DSLR निकॉन का सीरीज का भी आ जाएगा, कैनन की सीरीज में आ जाएगा, और क्या है कि Z15 भी आपको मिल जाएगा, साथ में कैनन के साथ सोनी भी आपको मिल जाएगा देखने को। तो आप इसमें कंपेयर अपने आप से ही कर सकते हैं कि आपका पर्पस क्या है, आपके पर्पस के लायक आपका कैमरा कौन सा लेने के लिए सही है। अगर बहुत अच्छा कैमरा लेने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको 2 लाख 2.5 लाख का भी कैमरा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेन समस्या है कि आपका वर्क क्या है, वर्क के साथ से अगर आप कैमरा लेने के लिए जा रहे हैं तो हालाँकि ये कैमरा बहुत ही बेकार नहीं है, एक बहुत ही प्रोफेशनल कैमरा है और इसमें 2 लेंस भी मिल जाते हैं। साथ में इससे इसका वीडियो भी हम आपको बताए हैं, अनबॉक्सिंग वीडियो भी किए हैं, इससे फोटोग्राफी भी करके हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इसमें देखिए बहुत सा सेटिंग दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनुअल ऑटो इफेक्ट्स मोड। तो आप अगर कहेंगे, मान लीजिए कमेंट करके अगर बताएँगे तो हम इस कैमरे से फोटो शूट करेंगे और वीडियोग्राफी भी करेंगे और आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे किस तरीके से आपको ये कैमरा अगर लेते हैं तो फोटोग्राफी किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में वीडियोग्राफी कैसा आता है इसमें। तो अगर आप कमेंट करके बताइए हमें तो हम ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाएंगे ताकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न उस वीडियो से एकदम दूर हो जाए और उसमें लगे आपको कि नहीं ये कैमरा अगर हम लेने जा रहे हैं तो हमारा पैसा जो है कि ब्लॉक होता हो जाएगा या फिर रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ हम आपको उसी वीडियो में कन्फर्म करेंगे और फुल सर्टिफाइड करेंगे आपको कि अगर आप इस कैमरे को लेने जा रहे हैं तो आँख बंद करके ले सकते हैं। हालाँकि ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, ये मत समझिएगा कि हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं आप यही कैमरा लीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम आपको यही कैमरा बताएं, लेकिन हम जो अपना एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है इस कैमरे के साथ, वो आपको शेयर कर रहे हैं। आपका इच्छा, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही कुछ इस वीडियो में, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया आप कौन सा यूज़ करते हैं कैमरा, तो हम भैया यही कैमरा यूज़ करते हैं, DSLR D5600 जो कि नए मॉडल है और लेटेस्ट वर्जन है, तो इसी को हम यूज़ करते हैं। और अगर आप हमारे फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आप मेरा फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा और नॉलेज मिलने के साथ साथ आपको ये पता चला होगा कि भाई दुकान पे जाइए तो आप अपने से ही सर्टिफाइड होकर के पहले से जाइए। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि आप गए हैं निकॉन का लेने के लिए लेकिन आपको वहाँ पर पकड़ा दिया जाता है सोनी या फिर कैनन। तो आप अपने दिमाग का यूज़ करिए और फुल सर्टिफाइड होकर के पहले से दुकान पे जाइए, ठीक है, या शॉप पे जाइए, यही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल पे लेकर के आते रहते हैं। हालांकि हमारे चैनल पे बहुत से वीडियो है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, अगर आपका कोई भी कमेंट है या आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम भी उस पर कमेंट को रीड करते हैं, रीड करने के बाद हमें जो भी लगता है हम उस पर वीडियो बनाते हैं। लेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।